Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 10th नवंबर 2021 के लिए है. कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी, लेट्स सी दैट. ओके, तो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टुमारो. कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी, लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टुमारो. देखते हैं. तो पहला कार्ड आपके लिए है द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज नेचर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज फोर ऑफ कैलिसिस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कैलिसिस का कार्ड है. द हाई प्रीस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कैलिसिस का कार्ड है. लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. लेट्स सी दैट. स्टैंडिंग स्टोन के कार्ड के साथ द मास्टर का कार्ड है. यहां पर नेचर का कार्ड शेयरिंग. ओके, फोर ऑफ कैलिसिस का कार्ड एग्जॉशन. टेन ऑफ कैलिसिस द ड्रीम. द हाई प्रीस्ट अंडरस्टैंडिंग. एंड यहां पर बॉटम ऑफ द डेक पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है. ओके, नाउ लेट्स सी विद द फॉर्चून कार्ड्स. कल के दिन की एनर्जी किस तरह की होने वाली है, कल के दिन पर आपको क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आएंगे. टफ एंड ट्राइंग टाइम्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज लव लाइफ. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फ्रेंडशिप. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चेंज का कार्ड है. देखिए, कल बेसिकली अगर मैं कहूं तो आपकी जो इमोशनल साइड है उसमें आप ज्यादा स्टक फील करेंगे. आपको लगेगा चीजें रुक गई हैं. कल के दिन पर एनर्जी कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ कहीं अटक गई है, लाइफ चल नहीं पा रही है. ये आपकी फीलिंग्स हैं. लाइफ आगे की तरफ को बढ़ रही है, एनर्जी आगे की तरफ को बढ़ रही है, ये ऐसा आप फील करने वाले हैं. और ये डिवाइन का ही एक ट्रिगर है जो कल के दिन पर आपको मिलने वाला है. ठीक है, आप कल के दिन पर स्टेग्नेंट फील करेंगे. आपको ऐसा लगेगा आप अपने हर स्फेयर में कहीं ना कहीं अटक गए हैं, जिस भी स्फेयर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. बट एक्चुअली आप यहाँ पर अटके नहीं हैं. एक्चुअल बात क्या है कि आपको ये ट्रिगर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं. कल के दिन पर आप यहाँ पर मुझे कुछ वक्त नेचर के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं. आप कुछ वक्त अकेले में कल के दिन पर बिताने वाले हैं. कल के दिन पर ऐसा आपको लगेगा कि कोई इंसान आपकी बात को समझ नहीं रहा है, कोई इंसान आपकी बात को समझ पा ही नहीं रहा है. इस तरह की एनर्जी आप एक्सपीरियंस करेंगे. अंदर से एक डिसकंटेंटमेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस आपको फील होगी और उसके चलते आप कई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे. तो प्लीज इस एनर्जी के ऊपर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा. कल के दिन पर अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा. आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जॉस्टेड फील करने से कुछ नहीं होगा. जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए तो चीजें ज्यादा अच्छे से आप संभाल पाएंगे. आई वुड रियली सजेस्ट यू दिस थिंग. ठीक है, कल के दिन पर आप ख्याली पुलाव बनाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं. आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ड्रीम कल के दिन पर मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं जो कि आप अपनी लाइफ में रियलिटी में चाहते हैं और उसके बारे में सोचेंगे. उसके बारे में सोच सोच के परेशान भी होंगे. आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं. अपने फाइनेंसेस का तो यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है कल के दिन पर. कल का जो मेन मतलब ज्यादा इफेक्ट आपको आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में आने वाला है. नॉट ओनली इन लव लाइफ बट रिलेशनशिप ऑल्सो. और जिन लोगों का ये लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उन्हें अंदर से वैसे ही डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी फील होगी. वो सैटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. कल के दिन पर
आपको एक बात को समझना होगा कि सिर्फ चीजों के बारे में सोचने भर से कुछ नहीं होता, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है। इस चीज की गाइडेंस भी आपको कल शायद मिलेगी कि आप अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे और ये एनर्जी कल रात तक आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप काफी स्टक फील करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि जिंदगी के अंदर पता नहीं स्टेबिलिटी आनी भी है और अगर आनी है तो कब आनी है। आप इन चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें सोचने वाले हैं, इन सारी बातों को लेकर काफी परेशान रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे। सोच सोच कर एक स्टेट ऐसी आ जाती है, इंसान ये भी भूल जाता है कि मैं सोच क्या रहा था और आप उसी स्टेट में मुझे नजर आ रहे हैं कल के दिन पर। ठीक है, यहां पर आप अपनी लाइफ को कल के दिन पर अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे, एक कम्प्लीशन की तरफ को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आप इसी चीज के बारे में ड्रीम करने वाले हैं कि जिंदगी में कम्प्लीशन पता नहीं कब आएगी। ठीक है, कल के दिन पर काफी इमोशनल रहेंगे लेकिन अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये भी एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारी हैवी एनर्जी है वो भी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस हैं, और कल के दिन पर तो ऐसे ट्रिगर्स आपको मिलने वाले हैं, अगर आपके मम्मा पापा ने भी आपको कुछ कह दिया ठीक है तो आप उस चीज को भी बहुत ज्यादा एग्जाजरेट करेंगे, बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कल इमोशनल ट्रिगर्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, कल का दिन टफ और ट्राइंग टाइम्स है। ठीक है, आपको ऐसा लगने भी वाला है, कल का दिन थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, आप कल के दिन पर लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं बनाएंगे और अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है, सपोज आपकी आपके मॉम डैड के साथ लड़ाई हुई है और आपका कोई फ्रेंड आपको आपके मॉम डैड के खिलाफ भड़का रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि ये सिर्फ कल की एनर्जी है, उसके बाद एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो आपको इन एनर्जी से बचना है। यहाँ पर लव लाइफ का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है ऑब्वियसली इमोशन से रिगार्ड में कल सब कुछ होने वाला है, तो आपको ऐसा लगेगा शायद लव लाइफ ठीक नहीं हो रही है। कल के दिन पर आप लव लाइफ से रिगार्ड कोई सिचुएशन होगी जिसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, कल डिसीजन पर पहुंचिएगा ही मत, आपको कल अपनी लव लाइफ में भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पेंडिंग डाल दीजिएगा लेकिन कल कोई डिसीजन नहीं बनाना है। फ्रेंडशिप का कार्ड है, कल बहुत सारे फ्रेंड्स आपको सराउंड करेंगे, बिकॉज जब हमारा बुरा वक्त होता है तो हम किसी फ्रेंड से ही बात करने की कोशिश करते हैं, बात कीजिए लेकिन एडवाइस फॉलो नहीं करनी है, किसी भी फ्रेंड की एडवाइस फॉलो नहीं करनी है कल के दिन पर, नहीं तो आप अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर चेंज का कार्ड है, कल के दिन में आपको ऐसा लगेगा एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव जा रही थी, अचानक से एनर्जी नेगेटिव हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो चेंज है ये आपको ट्रिगर देने के लिए आया है ताकि आप अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकलें। ठीक है, कल के दिन पर अगर आप अपनी जॉब में अपने प्रोफेशन में प्रमोशन चाहते हैं, या फिर प्रमोशन तो नहीं यहाँ पे कहूंगी, ट्रांसफर चाहते हैं, तो उसके चांसेस यहाँ पर हैं। कल जगह का बदलाव डेफिनेटली कार्ड्स में नजर आ रहा है। ठीक है, कल के दिन पर आप रेस्टलेस रहने वाले हैं क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके रास्ते में आगे और क्या आने वाला है, तो इसलिए जब हमें पता है कि एनर्जी उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है तो हमें कल के दिन पर कोई बड़े डिसीजंस बनाने ही नहीं है। ठीक है, कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपके जितने भी विघ्न हैं उन्हें हर लें। ठीक है, कल के दिन पर आप गणेश जी को हरा धनिया चढ़ाइए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए, कल के दिन पर ध्रुव होती है वो चढ़ाइए गणेश जी को। कल अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, उस इम्पोर्टेंट काम से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक हरा रुमाल ले जाइए, घर से सौंफ खाकर चलिए, जो मीठी सौंफ होती है वो खाकर चलिए, ग्रीन वाली। ठीक है, उससे आपके काम बनेंगे। और एक चीज और, नेगेटिविटी अगर कभी भी ज्यादा फील हो ना तो आपको ये जो मीठी सौंफ होती है ये खा लेनी चाहिए, इससे वैसे भी ऑरा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कल के दिन पर अपने घर में जो गूगल धूप होती है और साथ में जो येलो कलर की सरसों होती है उसके दानों को जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में देंगे, उसका धुआं पूरे घर में देंगे आप। ठीक है, उससे आपको ये जो नेगेटिविटी है, ये जो लोअर एनर्जीज हैं, इसको कोप अप करने में मदद मिलेगी। और कल के दिन पर आप हरी चीजों का दान करेंगे, आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को
हरा चारा खिलाइए या पालक खिलाइए, ठीक है। अगर आपको फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर किन्नरों के पास जाइए और उन्हें कुछ पैसे दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको एक सिक्का वापस दें, ठीक है। उस सिक्के को अपने पूजा वाले जगह पर आकर रखिए, या फिर आप उसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, लेदर का ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे और किन्नरों से हमेशा आशीर्वाद लेकर वापस आते हैं। ये चीज आप करके देखिएगा, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।